हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग बीपीओ कॉल के लिए पूछ रहे थे, तो देखो अभी बीपीओ सेंटर पे से तो वैकेंसी मिल जाएगा और आपको वाइट फील्ड लोकेशन में ही जॉब मिल जाएगा। ठीक है, और बता दूँ पहले आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, लैंग्वेज क्या क्या मांगा गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना सैलरी रहेगा सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। देखो लैंग्वेज, अगर आपको ये 5 लैंग्वेज आता है तो ही आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, इधर नॉर्थ का जितना भी लैंग्वेज है मलयाली छोड़ के सब कुछ आपको आना चाहिए। मलयाली भी आता है तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन ये हिंदी अच्छा से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आता है करेगा, ऐसा नहीं है, अच्छा से। क्यों है देखो, बीपीओ मतलब कॉल सेंटर, कॉल सेंटर मतलब हमारा जो अभी मैं कॉल पिक कर रहा हूँ वही मैं दूसरा किसी को देना चाहता हूँ। ओनली 5 मेंबर्स का वैकेंसी है, वो लोग को हम लोग पीएफ पीएसआई कट के स्टार्टिंग का 30,000 देंगे, 13,000 सॉरी। ओके, उसके बाद इंसेंटिव उनका अलग से रहेगा, जितना अच्छा काम करेगा उतना अच्छा इंसेंटिव बोनस ये सब उनका सेपरेट रहेगा। लेकिन 30,000 सॉरी, ज़्यादा बोल बोल के हैबिट हो गया, क्यों अभी बहुत इससे ज़्यादा ज़्यादा सैलरी का यार, 13,000 रुपीज सैलरी आपको मिलेगा, जो कि पीएफपीएस से कट के इन हैंड आपको मिलेगा। ओनली आपको 9 आवर ड्यूटी रहेगी और डे शिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग आके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। 5 लैंग्वेज कंपलसरी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नाडा, तेलुगु, तमिल। क्यों देखो अभी बता रहा हूँ, हमारे पास हर दिन कॉल आते हैं, इंडिया से हर एक लोकेशन से कॉल आते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को खाली हिंदी वाला ही कॉल करता है या कन्नाड़ा वाला ही कॉल करता है, मलयाली वाला, तमिल, तेलुगु, हर एक लैंग्वेज से। ठीक है, कभी कभी तो कच्ची गुजराती ये सब भी बात आता है, तो गुजराती भी हिंदी वाला ही है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मलयाली हो गया, तेलुगु हो गया, ये लोग सेपरेट ही लैंग्वेज है, ये लोग को और दूसरा कुछ आता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हैं तमिल वाला, तो इसमें क्या, मेरे को ही खुद उतना नहीं आता है, मेरे को तमिल नहीं आता है, मेरे को तेलुगु अंडरस्टैंड होता है लेकिन बोलने नहीं आता है, मेरे को मलयाली तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता। आ, समझ में आता बोलने के लिए थोड़ा भी नहीं आता उसको, और भी ऐसे एक दो लैंग्वेज हैं, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, कन्नाडा और अंडरस्टैंडिंग में ऑलमोस्ट 4-5 लैंग्वेज और हैं। ठीक है, 7-8 लैंग्वेज मेरे को भी आता है, तो मेरे को 5 लैंग्वेज चाहिए। अगर है तो आप लोग आ सकते हो व्हाइट फील्ड, व्हाइट फील्ड आके सेम गणेश एजेंसी आना है, इंटरव्यू देना है, बोलना है सर मैं बीपीओ यूनिक मैनेजमेंट के लिए, यूएमएमएस के लिए, बीपीओ के लिए ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ आने से ऑटोमेटिक आप लोग अच्छा से बात कर सकते हैं। क्यों, फ़ोन पे देखो अभी कॉल रिसीव करने के लिए हम लोग आपको हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ही ज़्यादा ये करोगे तो फिर हम लोग और क्या करेंगे, इसीलिए पहले आ जाओ ज्वाइनिंग कर लो, उसके बाद आप लोगों को जितना बात करना है आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, डे शिफ्टी रहेगा, आराम से आप लोग काम कर सकते हैं, लैपटॉप मेरा तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिस का, ओनली अपना एक ईयरफोन लेके आना है। क्यों, ईयरफोन हम लोग किसी को नहीं देते हैं। ओके, अपना ईयरफोन अपने यूज़ करना है, आराम से फ़ोन में या लैपटॉप में डाल के आराम से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आराम से, टाइमिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अपना लंच बॉक्स लेके आना है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके लंच लेके आना है। क्यों है, यहाँ पे आपको कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलता है, क्यों, हम लोगों का अभी ऑफिस उतना अपग्रेड नहीं हुआ, हम लोग इसको अपग्रेड करने के लिए 1 बाय 1 स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और जो लोग भी फ्रेंचाइजी का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग भी फ्रेंचाइजी का वीडियो देखो, मैंने अपलोड किया है। अगर कोई गणेश एजेंसी जैसा एजेंसी खोलना चाहता है या यूनिक मैनेजमेंट जैसा ऑफिस चलाना चाहता है, कंपनी चलाना चाहता है, तो खोल सकते हैं, हम लोगों की तरफ से आपको पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। ओके, तो उस वीडियो को जरूर देखो, आई बटन पर आपको मिल जाएगा। और जो लोग भी एजेंसी चलाना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, वो लोग हमारे ऑफिस आ सकते हैं। अभी ऑफिस आने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, 10 से 3 बजे तक आ सकते हो, आराम से आके ज्वाइनिंग करो, लेकिन 3 बजे के बाद मत आना, क्यों, 3 बजे तक मैं लॉक करके चला जाता हूँ, इसीलिए आप लोग 3 बजे के अंदर आने के लिए ट्राई करना। 3 बजे बोल दिया तो 1 बजे तक आ जाओ, ठीक है, आपका ही सेफ रहेगा। इनकेस कभी कुछ ज़्यादा काम रहता है तो हम लोग जल्दी करके फिर दूसरा ब्रांच भी हम लोगों को विजिट करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है होस्कोटे में एक ऑफिस है, होस्कोटे में किधर है, जो आपका ब्रिज है, ब्रिज का नीचे में पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का पीछे में होस्कोटे का ऑफिस मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया हुआ है। ओके, जो लोग भी बीपीओ में इंटरेस्टेड है वो लोग कर सकते हैं, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, अभी तक मैंने बोला नहीं था, ओनली फीमेल कैंडिडेट चाहिए इस जॉब के लिए, ओनली 5 फीमेल कैंडिडेट का ही वैकेंसी है अभी। ओके, तो जो लोग भी है 5 लैंग्वेज आता है तो वो लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर ट्राई करो व्हाइट फील्ड वाले लोकेशन में जो लोग हैं वही लोग आने के लिए, क्यों, आप लोग ज़्यादा दूर से आओगे तो फिर
रोज का मुझे ट्रैवल का ये सब वेट करना पड़ेगा, कभी ट्रैफिक है ये है, वो सब रीज़न मेरे को नहीं चाहिए। जो टाइम है आपको टाइम से, क्यों है मेरे पास कैंडिडेट का टाइमली कॉल आने शुरू हो जाता है, इसीलिए आप लोग भी अपना टाइम से मेंटेन करके ऑन करना ही करना है फ़ोन। ओके, उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत दोस्तों।